गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप किट। और ये ब्राइडल मेकअप किट बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, इसमें जितने भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। शादियों का सीजन आ गया है एंड ये शादियों के सीरीज में मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। इसका मैं सीरीज का कोई नाम नहीं दे रही हूँ, बट ये शादियों के सीरीज में मैं कई सारे वीडियोज अपलोड करूंगी, लाइक कई तरह के ब्राइडल मेकअप लुक, यहाँ ब्राइडल स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड के सीजन से रिलेटेड मेरा ये फर्स्ट वीडियो है ब्राइडल मेकअप किट। होप सो आप लोग को अच्छा लगे। एंड या एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूंगी कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बिकॉज उसमें मुझे सारे प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ेंगे कि क्या अफोर्डेबल रेंज में है, या अगर ये ऑप्शन नहीं आपको समझ आता तो दूसरा ऑप्शन रख लो। तो कई सारी चीजें मुझे दिखानी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, सो प्लीज डोंट माइंड। सो जिनकी अभी भी शादी होने वाली है एंड उन लोगों को आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि वो क्या क्या चीजें अपने मेकअप किट में रखें, सो उन लोग के लिए मैं लाई हूँ स्पेशली ये वीडियो। एंड इसमें मैं मेकअप ही नहीं, स्किन केयर के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स रखी हैं जो हर ब्राइडल के लिए शादी के बाद काफी यूजफुल होता है। सो ये ब्राइडल मेकअप किट का ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा एंड उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन होगी, उसे भी हिट कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो से आप नोटिफाइड रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये रहा मेरा मेकअप किट, इसमें मैंने सारा सामान स्टोर कर रखा है एंड ये काफी हैवी है। ये स्पेशली ये जो बॉक्स आता है ये स्पेशली ब्राइडल्स के लिए ही है, तो इसे मैंने परचेज करा। हमें एक और अच्छी चीज दी है कि इसमें ये लॉक वाला ऑप्शन है, अगर आप लॉक करना चाहते हो तो इसे आप लॉक भी कर सकते हो, यहाँ पर लॉक वाला ऑप्शन दिया है। एंड इसमें काफी स्पेस भी है, दो कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे रिसीव होंगे। तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आप लोग को। ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है एंड इसमें दो कंपार्टमेंट है, एक पीछे एंड एक आगे, जो मैंने कई सारे फाउंडेशन वगैरह रखे हैं एंड ये नीचे कई सारे स्किन केयर के मैंने प्रोडक्ट्स रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेस मेकअप से। तो बेस मेकअप में सबसे पहले होता है मॉइस्चराइजर। तो विंटर का टाइम है, आप लोग को मॉइस्चराइजर की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कि मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना मस्ट होता है, बिकॉज उससे लगाने से हमारी स्किन यू नो मॉइस्चराइज हो जाती है, काफी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप फाउंडेशन लगाते भी हो तो यू नो कहीं केकी या फिर कहीं ड्राई ड्राई नहीं दिखता है, इसलिए मॉइस्चराइजर मस्ट होता है। सो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ पे लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर लूंगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें SPF है, SPF 24, सो बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के रिकमेंड करूंगी मैं मॉइस्चराइजर के लिए लैक्मे पीच मिल्क। एंड जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है प्राइमर का, तो प्राइमर के लिए लेके आई हूँ। सो जिस प्राइमर की मैं बात कर रही हूँ वो है NYB का प्राइमर। एंड गाइज ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है एंड ये आपको purple.com पे इजीली अवेलेबल है। ये प्राइमर मैं रिकमेंड करूंगी ब्राइडल के लिए एंड इसका प्राइस ओनली 195 रुपीज है, तो ये अंडर 200 रुपीज के अंदर ही आएगा ये। एंड जो थर्ड चीज है वो है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सो फर्स्ट फाउंडेशन की बात करूं तो मैं यहाँ बात करूंगी मेबलिन का फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन। ये पूरा एकदम मैट लुक देता है आपके फेस पे, तो ये मैं रिकमेंड करूंगी अगर। एंड इसका प्राइस है वो है 500, बट आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आपको यू नो ऑफर में मिल जाएगा, 300 या 400 के अराउंड मिल जाएगा ये। एंड जो इसका सेकंड ऑप्शन है मेरे पास वो है लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन एंड इसमें SPF 8 है। सो ये मैं रिकमेंड करूंगी एंड ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत लेकिन ये है बहुत ज्यादा कवरेज नहीं देता, बट या ओके है ये। तो अगर आप लोग को अगर ये नहीं समझ आता है तो आप इसे जरूर ट्राई करें एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों रखो। और यहाँ पे मैं बात करती हूँ क्रीम की, सजेस्ट करूंगी कि पॉन्ड्स का बीबी क्रीम लो, बहुत ही अच्छा क्रीम है, बहुत फाउंडेशन के टेक्सचर में आता है एंड काफी लाइट वेट है, बहुत अच्छे से आपके स्किन को यू नो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में एंड काफी नेचुरल मैट लुक देता है। सो क्रीम के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी आपको। एंड उसके बाद बॉडी लोशन, तो ये तो मस्ट होता है ब्राइडल्स के लिए, ब्राइडल्स के हर किसी के लिए मस्ट होता है, बिकॉज विंटर का टाइम चल रहा है तो हर ब्राइडल को अपने किट में ये बॉडी लोशन जरूर रखना चाहिए। मैं यहाँ पे नीविया का बॉडी लोशन लाई हूँ। इसमें बात करूँ कॉम्पैक्ट की, तो कॉम्पैक्ट तो मस्ट है, तो कॉम्पैक्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे एक लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट है
यू कैन सी Lakme Absolute का एंड जो सेकेंड ऑप्शन है वो थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में है, वो है NYV का ये कॉम्पैक्ट एंड इसमें SPF है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड उसके बाद मैं बात करूंगी कंसीलर की, तो कंसीलर तो मस्ट होता है क्योंकि मेकअप करे लेकिन उनके डार्क सर्कल ऐसे उभर के आए तो वो थोड़ा सा दिखने में ना वियर्ड लगता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंसीलर आपको रिकमेंड करूंगी मेबलिन का। उसके बाद बारी आती है आईब्रोज की, तो आईब्रोज या तो आप आईब्रो पेंसिल यूज करो या फिर नो बहुत सारे पोमेड आ रहे हैं लाइक रेवोल्यूशन के पोमेड लैक्मे के, तो वो बहुत ही ज्यादा यू नो कॉस्टली होते हैं, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे SFR कलर का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। ये आई शेडो पैलेट कम ब्रॉ किट ज्यादा है क्योंकि इसमें ये जो शेड है यू कैन सी ये बहुत ही अच्छे से आपके आईब्रो पे जाएगा, ये ग्रे कलर में है, ग्रे ब्राउन कलर में है, एंड उसके साथ आपको एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से आप अपने ब्राउज को अच्छे से फिल कर सकते हो, तो आप ये इसे जरूर रखें। ये आपको अराउंड 100 रुपीज में मिलेगा, कफ्स एंड लैसेस से मैंने परचेज किया था, सो आप वहां से जरूर चेकआउट कर लो। एंड ये तो आई शेडो में बहुत सारे ऑप्शन है, आप आई शेडो ऐसा लो कि मल्टीपर्पज हो, सो यहाँ पे मेरे पास पैशन कलर का आई शेडो है एंड ये बहुत ही यू नो बहुत ही प्यारा आई शेडो है एंड इसमें सारे कलर्स आपको इजीली मिल जाएंगे एंड ये सारे सिमरी शेड्स में है, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं इसमें एंड इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ही अच्छी है, तो मल्टी कलर है। प्राइस अराउंड 100 रुपीज के अंदर ही था, मैंने एक अपने हॉल वीडियो में इसे बताया भी था इसका प्राइस। एंड हाइलाइटर की, तो गाइस हाइलाइटर और मस्करा, सो हाइलाइटर और मस्करा के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी एसेंस का मस्करा एंड ये बहुत ही अच्छा मस्करा है गाइस, मेरा फेवरेट है एंड यू नो बहुत ही वॉल्यूमाइज करता है आपके लैसेस को। एंड उसके बाद हाइलाइटर की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे सिवाना का हाइलाइटर यूज करती हूँ एंड सिवाना का हाइलाइटर रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग 5 शेड्स हैं, फेयर टू मीडियम स्किन डस्की स्किन टोन के लिए, सारे स्किन टोन्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है एंड जो भी ब्राइडल्स हैं वो अलग अलग हाइलाइटर लेने की बजाय ये एक ले लें। ये ब्रिक हाइलाइटर है, इसमें 5 शेड्स के हाइलाइटर आपको अवेलेबल मिलेंगे एंड आपको जो यूज करना है आप अच्छे से यूज कर सकते हो एंड इसका भी अराउंड 205 या 215 में मुझे मिला था, ये अमेजोन से मैंने परचेज किया था। एंड उसके बाद मैं बात करूं मेकअप की, तो बात हो गई अगर मेकअप रिमूव करना है तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, तो मैं मेकअप रिमूव के लिए आपको गार्नियर का माइसेलर वाटर सजेस्ट करूंगी, इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, तो ब्राइडल के लिए मस्ट है, जरूर रखें मेकअप रिमूवर। एंड उसके साथ ये कॉटन पैड या कॉटन बॉल्स जरूर रखें क्योंकि इससे आसानी से आपका मेकअप इजीली रिमूव हो जाएगा। आपके लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक में मेरे पास कई सारे ऑप्शन है बट ब्राइडल्स के लिए स्पेशली 3 लिपस्टिक ही चाहिए, एक तो रेड, दूसरा पिंक एंड थर्ड वन इज ऑरेंज। तो यहाँ पे मेरे पास रेड के लिए, ब्राइडल के लिए स्पेशली यहाँ पे मैं कलर एसेंस का लिक्विड लिपस्टिक सजेस्ट करूंगी, ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है गाइस, लिप्स पे बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होता है, काफी लॉन्ग लास्टिंग है। एंड जो सेकेंड है मेरे पास वो है मेबलिन का लिपस्टिक कलर सेंसेशनल एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सब पिंक कलर है, एज यू कैन सी ब्राइट पिंक, सो नए नए दुल्हन पे ये कलर बहुत ही अच्छे से जाएगा। एंड ये एंड जो थर्ड मेरे पास ऑरेंज शेड में है वो मेरे पास मेलिन का लिपस्टिक एंड ये बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज शेड है, मैट लिपस्टिक में ही आता है। तो ये 3 कलर अपने मेकअप किट में कंपलसरी है रखना क्योंकि इस ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। एंड जो फोर्थ लिपस्टिक की मैं बात करूँ वो है ये थोड़े से न्यूड शेड मैंने रखे हैं, नो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ब्राउन पीच कलर, तो अगर आपको न्यूड शेड की लिपस्टिक बहुत पसंद है तो आप जरूर रख सकते हो। एंड यहाँ पे एक मरून कलर भी आप अपने मेकअप किट में जरूर रखें। एंड लिप लाइनर में बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है लिप लाइनर के, मेरे पास ये है ग्लिमर स्टिक के लाइनर, हाफ एंड हाफ के ग्लिमर स्टिक के लाइनर, ये 2 लाइनर आप कंपल्सरी रखें रेड एंड पिंक, क्योंकि आप कोई भी लिपस्टिक लगाओ ये इजिली आपकी नो लिप्स पे बहुत ही अच्छे लगेंगे। लिपस्टिक लगाने से पहले लाइनर जरूर यूज करें एंड नए नए जो ब्राइडल्स हैं शादी के बाद
पिंक या रेड ही लिपस्टिक लगाती हैं तो उनके लिए मस्ट है ये सॉरी लिप लाइनर रखना। एंड उसके बाद मैं बात करूँ काजल की, तो काजल के लिए मैं यहाँ पे NYB का काजल आपको सजेस्ट करूँगी। एक ही ब्लैक काजल, ये 75 रुपीज का है एंड ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में। एंड एक मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग को वाइट काजल, ये MN का वाइट काजल है। एंड यू नो आपकी आंखें अगर जिसकी बहुत छोटी हो तो उसे ये बड़ा दिखाता है एंड इससे लुक बहुत ही अमेजिंग आता है। तो ये दो काजल रिकमेंड करूँगी कि आप अपने मेकअप किट में जरूर रखें। एंड उसके बाद मैं आईलाइनर की बात करूँ तो आईलाइनर के लिए आप एक लिक्विड एंड एक स्केच आईलाइनर जरूर रखें, क्योंकि कभी कभी यू नो टाइम नहीं होता है कि लिक्विड लाइनर लगाने का, तो आप स्केच से इजीली लगा सकते हैं अपने आईज पे। सो यहाँ पे मैं NYBA का लिक्विड लाइनर है एंड इसका प्राइस 199 रुपीज में मिल जाएगा purple.com से। एंड जो स्केच लाइनर है वो है याकिना का 36R, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आप लोगों को क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, लैक्मे वगैरह के 500 से अब भी जाते हैं, सो ये अफोर्डेबल रेंज में आपको 100 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। एंड गाइस बात करूं मैं ब्लश की, तो हर लड़की के लिए ब्लश बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ब्राइडल्स के लिए स्पेशली। एंड ब्लश के लिए आप यहाँ पे मेबलिन का कलर सो ब्लश ले सकते हैं एंड ये ब्राइडल्स के लिए परफेक्ट है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है एंड ये मैट लुक देता है। तो मतलब हर ब्राइडल्स को ये जरूर ट्राई करना चाहिए, अपने मेकअप किट में रखना चाहिए। एज यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, कोरल पिंक कलर है। सो ये ब्लश आप रखें, मैं इसे सजेस्ट, बट इससे मैं 195 या 200 के अराउंड मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे आपको। और एक हमेशा ब्यूटी स्पंज जरूर रखें अपने मेकअप को, फाउंडेशन वगैरह को ब्लेंड करने के लिए। अगर आप ब्यूटी स्पंज लवर नहीं हो तो आप ऐसा ब्रश रखें जो आपकी यू नो फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर दे। नेल पेंट्स की, तो ब्राइडल्स ये दो नेल पेंट्स कंपलसरी है, उनको रखना, एक रेड एंड एक पिंक, तो दोनों जरूर रखें। यहाँ पे एक और लिपस्टिक मैं आपको दिखाऊंगी, फैशन कलर की लिपस्टिक है एंड इसका कलर बहुत ही प्यारा है, यू कैन सी पिंक कलर में है, हल्का सा पर्पलिश लुक में आता है एंड ब्राइडल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि न्यूली ब्राइडल्स के लिए। एंड उसके बाद मैं बात करूँ मेकअप को सेट करने की, तो मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ADS का फिक्सर आपको रिकमेंड करूँगी। आप स्विस ब्यूटी का, किस ब्यूटी का, बहुत सारे तरह तरह के फिक्सर्स अवेलेबल, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में था इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। तो एक आपके मेकअप किट में फिक्सर, मेकअप फिक्सर होना मस्ट है, क्योंकि आप पूरा मेकअप कर लो और उसे सेट ना करो तो वो भी अच्छा नहीं लगता, फिर इससे क्या होता है कि आपका मेकअप यू नो मेल्ट हो जाएगा एंड निकल जाएगा आसानी से। और उसके बाद गाइस एक फेस वॉश हमेशा रखें अपने मेकअप किट में, क्योंकि ब्राइडल्स के लिए मस्ट होता है मेकअप रिमूव करने के बाद आप फेस वॉश जरूर करें। सो यहाँ पे मैं गार्नियर का फेस वॉश सजेस्ट करूंगी, गार्नियर का फेयरनेस फेस वॉश रिड्यूस डलनेस, गार्नियर का स्किन नेचुरल फेस वॉश एंड इसका प्राइस 135 रुपीज है, 100-200 है ये। एंड उसके बाद एक आप रोज वाटर जरूर रखें, डाबर का रोज वाटर जरूर रखें एंड क्योंकि तो आप कॉटन से अपने यू नो पूरे फेस पे रोज वाटर अप्लाई कर सकते हो, इससे काफी स्किन आपकी अच्छी रहेगी। तो गाइस ये रहा मेरा ब्राइडल मेकअप जो कि मैंने बता दिया आप लोग को एंड इसमें जो जो चीजें मस्ट है वो भी मैंने बता दिया। तो जो भी जिनकी शादी अभी रिसेंट में होने वाली है एंड वो ब्राइडल बनने वाले हैं, सो वो ये सारी चीजें जरूर अपने मेकअप किट में रखें, क्योंकि बहुत ही कंपल्सरी है हर लड़की के लिए, हर ब्राइडल्स के लिए। तो अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ नहीं समझ आते हैं तो आप उसका आपको आपको जो भी प्रोडक्ट सूट करे या जो भी आप कंफर्टेबल हो उस प्रोडक्ट का, तो आप उसे जरूर अपने मेकअप किट में रखो। अगर फाउंडेशन आपको नहीं मेबलिन का समझ आता है तो आपको जो भी फाउंडेशन सूट करता है वो आप रख लो। एंड सो या गाइज ये रहा मेरा आज का वीडियो एंड जो भी ब्राइडल्स हैं उनको उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। एंड या ब्राइडल मेकअप किट का ये ट्यूटोरियल अगर पसंद है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो से आप नोटिफाइड रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।